कच्चे आलू डाल रहे हैं, इसलिए हम आलू को पहले हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अब ये 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। फिर देखिए हमारा आलू हाफ टर्न हो गया है। अब हम इसमें अनियन डालेंगे, वेजेस डाल के मैगी हमारा कुछ डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। ऐसे सिंपल तो हम लोग खाते ही हैं, इस तरह बना के आप लोग देखते हैं। हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, उसके बाद हम बाकी के वेजेस भी इसमें ऐड करेंगे। ओके, चला। अब हम दूसरे सारे वेजेस डालना शुरू करेंगे। कैरेट थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए कैरेट डाल देते हैं पहले। कैप्सिकम डाल देंगे, में 5 मिनट और लगेगा इसको। इसमें हम चीज क्यूब्स डाल देंगे तोड़कर, जो इसको क्रीमी टेक्सचर देगा हमारी मैगी को और टेस्ट भी डिफरेंट करेगा। देखिए फ्रेंड्स, बनी गया है। अब इसको थोड़ा सा पतला ग्रेवी वाला खाना है तो इस स्टेज से इसको उतार दें, पर इसको ड्राई खाना रहता है, थोड़ा सा और सुखा देते हैं, इसको ड्राई कर देते हैं। हमें थोड़ा ड्राई पसंद है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ड्राई करें। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से मैगी जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सिंपल तो हम लोग खाते ही हैं, बट वेजेस के साथ ये और भी हेल्दी हो जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। आपको जो जो वेजेस पसंद है आपको वो वेजेस डाल दीजिए और बच्चों को चीज़ के साथ सर्व कर दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। देखिए फ्रेंड, हमारी मैगी तैयार ही हो गई है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे,
जो हमारे हैं मोस्टली वेजेस नहीं खाते हैं, तो आप उनको इस तरीके से वेजेस खिला सकते हैं मैगी के, इससे ये मैगी भी खा लेंगे और मैगी हमारी हेल्दी भी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारी मैगी तैयार है, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। वेज मैगी तैयार हो गई, जिसे बच्चे और सभी को बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी